हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। अपना टॉपिक चल रहा था विलयता, ठीक है। तो विलयता की परिभाषा क्या होती है, अपन ने कर लिया था। और अपने सॉल्यूशन ठोसों की द्रव्यता और गैसों की द्रव्यता। तो ठोसों की द्रव्य विलयता क्या होती है, ठोसों की द्रव्यता को प्रभावित करने कारक कौन से होते हैं, उनका अध्ययन अपने पिछले क्लास में कर लिया था। आज अपना रहेगा नंबर दो, गैसों की द्रव्यता। गैसों की द्रव में विलयता, ठीक है। यानी कुछ एक गैस होती है, जो गैस होती है द्रव में विलयता क्या होती है, उस पर कौन से कार्य प्रभावित करने, कौन से नियम उस पर लागू करेंगे, उसका अध्ययन अपन करेंगे आज, ठीक है। तो अपन देखते हैं गैसों की द्रव में विलयता। तो कुछ एक गैस होती है किसी द्रव में अधिक विलयनशील होती है, यानी ज्यादा विलय होती है। कुछ एक गैस होती है किसी द्रव में कम घुलनशील होती है। जैसे बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन द्रव में यानी पानी में कम विलयशील होती है। इसी प्रकार हम हाइड्रोक्लोरिक HCl गैस की बात करें तो द्रव में अधिक विलयशील होती है, ठीक है। तो इस गैसों की द्रव में विलयता पर जो अपन अध्ययन करेंगे वो अध्ययन रहेगा अपना दाब का प्रभाव। क्या रहेगा, दाब का प्रभाव, यानी गैसों की द्रव में विलयता पर दाब का प्रभाव, ठीक है। तो गैसों की द्रव में विलयता पर जो दाब का प्रभाव है उसका मात्रात्मक जो संबंध देने वाले वैज्ञानिक का नाम था, उस वैज्ञानिक का नाम है हेनरी। हेनरी नामक वैज्ञानिक नियम है जिसे कहते हैं हेनरी का नियम। क्या कहेंगे, हेनरी का नियम। यानी गैसों की द्रव में विलयता पर जो दाब का जो मात्रात्मक संबंध होता है, उस संबंध को प्रदर्शित करने वाले वैज्ञानिक थे हेनरी, और उसने अपने नाम पर एक नियम दिया जिसे कहते हैं हेनरी का नियम, ठीक है। तो हेनरी का नियम क्या होता है, किसी भी गैस पर दाब बढ़ाया जाए तो उसकी गैस की द्रव्य विलयता दाब बढ़ाने पर बढ़ती है। जैसे मान लीजिए ये कोई पात्र है, इसमें ये विलायक है, क्या है, ये विलायक है, इसके ऊपर अपनी यहां पर बढ़ती गैस, ये क्या है, गैस। और यदि इसके ऊपर पिस्टन लगा दिया, ये यानी वेट भार लगा दिया, तो इसके क्या डालेंगे, इसके ऊपर दाब डालेंगे। तो जैसे जैसे इसके ऊपर दाब बढ़ाएंगे, दाब बढ़ाई तो जैसे 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 दाब बढ़ाई तो गैस इस द्रव के अंदर विलय होती चली जाएगी। क्या होती चली जाएगी, विलय। तो इस गैस की इस द्रव में विलयता पर जो दाब का प्रभाव है, इसके संबंध में जो मात्रात्मक जो संबंध दिया, तो संबंध दिया था हेनरी नामक वैज्ञानिक ने, इसलिए उसने अपने नाम पर रख दिया हेनरी का नियम, ठीक है। तो हेनरी नामक वैज्ञानिक ने क्या कहा, तो जब किसी गैस पर दाब बढ़ाया जाता है तो उसकी द्रव विलयता बढ़ती है। इसी गैस के ऊपर जब दाब बढ़ाया जाता है तो उसकी गैस की द्रव विलयता बढ़ती है, ये नियम है हेनरी का नियम, ठीक है। मान ली किसी गैस, किसी गैस की मात्रा है m और उस पर क्या लगाया जा रहा है, दाब, यानी p। तो हम कह सकते हैं p समानुपाती m, p समानुपाती m, या p बराबर के एम, पी बराबर के एम, या पी क्या है, पी बराबर है दाब, गैस के ऊपर कितना दाब लगाया गया है, एम बराबर है गैस की मात्रा, गैस की मात्रा जो द्रव में विलय होती, गैस की मात्रा जो द्रव में विलय होती है, के है हेनरी स्थिरांक, के क्या है, हेनरी स्थिरांक, यानी हेनरी का नियम। क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हेनरी का नियम क्या है। तो इस नियम के अनुसार किसी गैस की द्रव विलयता दाब बढ़ाने पर बढ़ती है, यानी पी समानुपाती एन, या पी बराबर समानुपाती घटाएंगे क्या जाएगा, के पी बराबर के एन, पी क्या है, दाब है जो गैस के ऊपर लग रहा है,
एम क्या है, गैस की मात्रा है जो उसमें लव हो रही है, एच क्या है, हेनरी स्थिरांक। ठीक है, यदि यदि किसी विलयन की विलयता को, किसी विलयन की विलयता को उसके मोलंस के रूप में व्यक्त किया जाए तो हेनरी नियम के अनुसार किसी गैस की विलयता, किसी गैस की विलयता उसके आंशिक दाब के समानुपाती होती है। किसी गैस की द्रव में विलयता उसके का जो आंशिक दाब है उस अवयव की मोल भिन्न के समानुपाती होता है, यानी पी समानुपाती एक्स मोल भिन्न। मोल भिन्न को किससे लिखते हैं, मोल अंश मोल प्रभाव भिन्न, उसको किससे लिखते हैं, एक्स, एक्स यानी गैस का, गैस की मोल भिन्न। ठीक है, या पी समानुपाती एक्स, या पी बराबर के एच एक्स, पी बराबर के एच एक्स। ठीक है, वही पी क्या है, दाब है, एक्स क्या है, मोल भिन्न या मोल अंश है, और के एच वही हेनरी स्थिरांक है। ठीक है, अगर अपन इस क्वेश्चन में हेनरी स्थिरांक निकाले तो के एच बराबर क्या हो जाएगा, पी अपॉन एक्स गैस, पी अपॉन एक्स, इसे अपन हेनरी स्थिरांक निकाल सकते हैं। तो यह था अपनी गैसों के द्रव्यमान तक दाब का मात्रा तक संबंध, किस वैज्ञानिक दिया, हेनरी नामक वैज्ञानिक, पूछ रहा है हेनरी का नियम क्या है। तो इस नियम के अनुसार किसी गैस की द्रव्यमान दाब के समानुपाती होती है, यानी दाब बढ़ाने पर उस गैस की द्रव्यमान बढ़ती चली गई। ठीक है, तो यह था अपनी गैसों की द्रव्यमान और उसके ऊपर हेनरी का नियम। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। Thank you.